नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ बाय रोलो मे। हमारे डिजायर्स को, सपनों को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, यूनिवर्स को बताना है, इसके बारे में रोलो मे इस किताब में बात करते हैं। जब हम कठिन परिस्थिति यानी प्रीडिकमेंट से गुजरते हैं, तब तीन बातें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एक है एम्प्टीनेस यानी खालीपन, लोनलीनेस यानी अकेलापन, और तीसरी बात है चिंता यानी एंजाइटी। वो कहते हैं कि आज के दौर में ज्यादातर लोगों का खालीपन ये प्रॉब्लम होता है। हमारे मन के अंदर इच्छाएं, डिजायर्स तो होती ही है, लेकिन हम ज्यादातर उनका दमन करते रहते हैं, उन्हें गलत कहकर दबाते रहते हैं। यहाँ तक कि हम खुद अपनी इच्छाओं से डरते भी हैं, जबकि हमें अपनी इच्छाओं को खुली आंखों से देखकर उसका सामना करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे अंदर से आती है। उसे कॉन्शियसली समझकर जहाँ तक हो सके उसे पूरे करने के प्रयास यानी कोशिश करना जरूरी है। हमारा खालीपन ज्यादातर इस भावना के कारण आता है कि हम पावरलेस यानी शक्तिहीन हैं और अपने सपनों को, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमें ये समझना जरूरी है कि डिजायर्स यानी इच्छाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है और वो हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, बजाय इसके कि वो सही है या गलत है इस लेबल को लगाए। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। इससे हमारी खुद के बारे में समझ बढ़ती है, हम अपने आप को अच्छे से जानने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो बताते हैं कि लोगों में ज्यादातर नजर आता है वो है अकेलापन, और वो दुखी हो जाते हैं, वो उन्हें दुखी बनाता है। उन्हें लगता है कि वो अकेले है, सबसे अलग, डिसकनेक्टेड। अकेलेपन का फीलिंग हमेशा साथ में खालीपन भी महसूस कराता है। इन दोनों फीलिंग्स का कारण एक ही होता है, जब उन्हें पता ही नहीं होता कि सच में वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, और जब वो दुखी होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि दुनिया वाले जिसे सक्सेस या सफलता कहते हैं, वो असल में उन्हें ज्यादा खुशी या सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, उस सो कॉल्ड सफलता को हासिल करके वो अपने आप को सुरक्षित भी नहीं महसूस कर पाते। ये सच जानने समझने के बाद वो अपने आप को डरावना माहौल फील कराने लगते हैं, और फिर वो औरों को देखना, उन्हें कॉपी करना शुरू करते हैं, जिससे वो और दुखी महसूस करने लगते हैं। उसके बाद वो थर्ड इशू ये बताते हैं कि एंजाइटी यानी चिंता। ये बहुत ही ज्यादा और ऑलमोस्ट सभी में मौजूद होता है। खालीपन और अकेलापन इंसान को चिंतित कर देता है। जब ये चिंता हद से ज्यादा बढ़ती है तो वो इंसान की सेहत पर भी बुरा असर डालना शुरू कर देती है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि आज के प्रॉब्लम्स हमारे फ्यूचर के कल्पना से कई कम डरावने होते हैं, लेकिन शक, डर और चिंता के कारण हम फ्यूचर के कल्पना को डरावना बना देते हैं और खुद को तकलीफ में डालते हैं। चिंता हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है। हम अपना आपा खो बैठते हैं, हमारा खुद पर से विश्वास उठ जाता है, हम आसपास की बातों को समझ ही नहीं पाते, हमारी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। मतलब एंजाइटी यानी चिंता हमारे सेल्फ अवेयरनेस को खत्म करती है, और सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूक रहना, हमारी एंजाइटी को खत्म करता है। इसलिए हमें जितना हो सके खुद के बारे में अवेयर रहना, जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमारा अवेयरनेस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हमारी एंजाइटी से मुक्ति हो जाती है। हमें अपने सेंटर यानी केंद्र को मजबूत बनाने के लिए अपने अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ही हमारे सबसे बड़े स्ट्रेंथ और क्वालिटी है। यही हमारे मैं और दुनिया के बारे में समझ बनाता है। इसी की वजह से हम अपने आप को एक ऑब्जर्वर की नजरिए से देख सकते हैं। इसी की वजह से हम खुद को और औरों को करुणा की नजर से देख सकते हैं। इसके बाद रोलो मे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस के अलग अलग स्टेजेस वो बताते हैं। वो कहते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है मासूमियत यानी इनोसेंस, जो एक बिल्कुल छोटे से बच्चे में होती है। सेकंड स्टेज है विद्रोह यानी रेबेलियन, ये थोड़े बड़े बच्चों में दिखाई देती है। थर्ड स्टेज है सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहाँ पर खुद के बारे में विश्वास बढ़ता है। यहाँ पर इंसान खुद की गलतियों से, अपने अपराध बोध को, पूर्वग्रहों को एक अनुभव समझकर उससे सीखने की कोशिश करता है। वो अपने निर्णय सोचकर और समझदारी से लेता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस का फोर्थ स्टेज आता है, लेकिन इसे हर कोई अनुभव नहीं कर पाता।
यहाँ पर हमें हर प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन अपने आप क्लिक होता है, कभी सपने में, कभी अचानक जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बहुत सोच रहे हैं उसके सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के परतों से, लेवल्स से आते हैं। ये कॉन्शियसनेस ज्यादातर वैज्ञानिक, धार्मिक या कला के क्षेत्र में पाया जाता है। इसे प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में काम करने वालों को ये जरूर पता करना जरूरी है कि उनके काम के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती रहे। इस तरीके के, इस टाइप की कॉन्शियसनेस को एक्सटेसी यानी परमानंद भी कहा जाता है। मतलब अपने अनुभव को एक ऊंचे स्तर से, एक हायर लेवल से देखना। जब तक हम अपनी रिजेंटमेंट यानी नाराजगी को पूरी तरह मन से नहीं निकालते, तब तक हम सच्चा प्यार, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अनुभव नहीं कर सकते। घृणा यानी हेट्रेट और नाराजगी यानी रिजेंटमेंट का इस्तेमाल हमें अपने स्वतंत्रता यानी फ्रीडम को पाने के लिए करना है, तभी हम इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस बात को ढूंढ निकालना है कि हम किस चीज से, किससे नफरत करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि इंसान की वो क्षमता जो उसे अपने विकास यानी डेवलपमेंट की ओर ले जाती है, अपने आप को और अच्छा बनाने की क्षमता। सेल्फ कॉन्शियसनेस और फ्रीडम, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम खुद के बारे में अवेयर यानी जागरूक नहीं होते हैं, तो हम औरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। जब कोई क्लाइंट रोलो मे के पास साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा के लिए आता है, तो वो कहता था कि वो किसी वजह से ड्रीवन हो गए हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो गए हैं। उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम डर, चिंता या ब्लॉक एनर्जी यानी किसी काम में जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगना, यही होती थी, जिसकी वजह से वो बंधन में, मन के बंधन में होते थे और उसी तरह के पैटर्न्स को बार बार दोहरा के सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते थे। उन्हें बदलने के लिए साइकोथेरेपी के कई सारे सिटिंग्स कुछ महीनों तक उन्हें देने पड़ते थे, तब जाकर थोड़ा सा बदलाव उनमें नजर आता था। कई बार वो क्लाइंट्स कई अलग अलग इमोशंस जैसे गुस्सा, रोना, हंसना, नफरत इत्यादि उनकी सारी नेगेटिव इमोशंस बाहर निकालती है और धीरे धीरे उनका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगता है। जैसे ही हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, हमारी सही बातों को चुनने की क्षमता और स्वतंत्रता भी बढ़ती है। इस तरह से हमारा फ्रीडम बढ़ता रहता है। खुशी एक ऐसा अनुभव है जो हमारी शक्ति के साथ साथ बढ़ता है। वो हमारे इंसान होने की पूर्णता है। अवेयर होने की शुरुआत हमें अपने बॉडी यानी शरीर से करना जरूरी है। कई बार हम अपनी चिंता यानी एंजाइटी को दूर रखने के लिए या छुपाने के लिए खुद को बिजी रखते हैं। असल में हमारा बिजी रहना या किसी न किसी काम में उलझे रहने का मतलब होता है कि खुद से भागना। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का मतलब सिर्फ किसी बात को हाँ या ना कहना नहीं होता, बल्कि खुद में बदलाव लाना है। और ये स्वतंत्रता यानी फ्रीडम हमें अपने आप नहीं मिलती, इसे कोशिश करके पाना पड़ता है। और इसे कायम रखने के लिए इसे हर रोज प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। जब हम अपने मैं को, रियल मैं को छोड़ देते हैं, तब हमारा जिंदगी के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगता है और ये हमारी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं को भी बढ़ाता है। हमें इसके लिए करेज यानी उत्साह रखना जरूरी है, जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से, सुरक्षितता से दूर होकर उसे छोड़कर ही मिलता है। हम जब ये ढूंढते हैं कि हम किस बात से नफरत करते हैं, वही हमारा सत्य यानी ट्रुथ होता है। अनकंडीशनल लव ये सबसे बेहतर और पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन हर कोई इसे पाने या समझने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारी प्यार करने की क्षमता को कई सारे इमोशंस के ब्लॉकेजेस कम कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। ज्यादातर हमारा प्यार डिपेंडेंसी यानी किसी पर निर्भर होता है, किसी न किसी बात पर, जो कि अनकंडीशनल लव नहीं है। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते और अकेले होकर भी मजबूती से खड़े नहीं होते, तब तक ना तो हम सच्चा प्यार कर सकते हैं, ना ही पा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेजेंट यानी वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा। रोलो में कहते हैं कि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कड़ी को जोड़कर अपने आज में बदलाव करना पड़ेगा।
क्योंकि बीते कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका जो हमारे आज पर असर हो रहा है ना, उसे हम जरूर कोशिश करके बदल सकते हैं। और जैसे ही हम उस नेगेटिव से पॉजिटिव में आज को बदलते हैं, हमारा आने वाला कल अपने आप बदल जाता है। हमें अपनी ज्यादातर एनर्जी यानी शक्ति अपने पर्सनल ग्रोथ यानी खुद के विकास पर लगाना जरूरी है, तभी हम अपने अकेलेपन खालीपन से बाहर आ सकते हैं। और जैसे ही हमारा लोनलीनेस एम्प्टीनेस खत्म होगा, हमारी चिंता यानी एंजाइटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक संपूर्ण यानी कंप्लीट इंसान बनने के लिए हमें अपनी पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाओं को खोजते रहना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपना इस जीवन में क्या रोल है, भूमिका है, ये बात धीरे धीरे जानने लगते हैं। हम अपने अस्तित्व का मतलब समझने लगते हैं, और यही जानना समझना हमारे लिए अनकंडीशनल लव के दरवाजे दोनों तरफ से यानी गिविंग एंड रिसीविंग, लेना और देना खोलने लगता है। रोलों ने हमारे बेसिक प्रॉब्लम को धीरे धीरे और आसानी से इस किताब में समझाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सच में पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, और यही हमारे सफरिंग यानी दुख का कारण बन जाता है। हम खुद को क्या चाहिए इस बात पर सोचने के बजाय औरों को कॉपी करना या उनके बताए नक्शे कदम पर चलना शुरू करते और बार बार ठोकर खाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ज्यादा वक्त देना, सोचना और अच्छे से समझना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं सच में। हम गलत फहमी से बहुत ऐसा ज्ञान और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं जो हमारे बीइंग यानी अस्तित्व से कोई मेल नहीं खाता, और यही यूजलेस नॉलेज यानी बेहुदा ज्ञान हमें हमारे मैं से अपने रियल मी से कनेक्ट नहीं होने देता। और जितना हम खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं, हम अकेलापन और खालीपन से भर जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप के सच में क्या चाहिए इसके बारे में कभी खुद से फुर्सत से पूछते नहीं, सोचते नहीं और जानते भी नहीं है। हम बस दुनिया की रैट रेस में दौड़ते रहते हैं, और यही दौड़ हमें अकेले और खाली बनाती है। हमारी फ्रीडम तभी सही फ्रीडम है जब हम अपनी जिम्मेदारी को यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं और उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, वरना हमारी स्वतंत्रता हमें दुराचार की ओर ले जाती है। इसलिए रोलों में इस किताब द्वारा हमें ये बताते हैं कि अकेलापन, खालीपन, एंजाइटी, इन सब बातों को हटाने के लिए हमें अपने आप पर सही चुनाव करना, सही डिसीजन लेना और सही एक्शन यानी बर्ताव करना, इसके बारे में बहुत सोच समझ के कदम उठाना जरूरी है। और उन्होंने इसके लिए जो टिप्स दिए हैं इस किताब में, उन्हें अगर हम एक एक करके अपनाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप हमारा खुद के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगता है, हम सही सोच, सही चुनाव, सही डिसीजन और सही बर्ताव की ओर अपनी यात्रा, अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम अपने अवेयरनेस के बारे में और थोड़ा अवेयर हो जाते हैं और अपने आप के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। धन्यवाद।